इस दुनिया में हर इंसान कुछ भी हासिल करना चाहे उसके पीछे खुश रहने की ही वजह होती है। हर इंसान, किसी भी इंसान का कितना भी बड़ा गोल हो या कितना भी छोटा गोल हो, पैसा कमाना हो या कोई गाड़ी लेनी हो, इन सभी चीज़ों में हर इंसान खुशी ही चाहता है। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और हमेशा प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। ये दो बहुत पुरानी कहावतें हैं पर हमें खुश रहना सिखा देती हैं। अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को याद करते रहेंगे और प्रेजेंट में जीना भूल कर पास्ट में ही पड़े रहेंगे, अपने पुरानी गलतियों को याद करते रहेंगे तो प्रेजेंट में जीना भूल कर पास्ट में ही पड़े रहेंगे। हमारी गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। हमें हमारी पुरानी गलतियों को सुधारने के बजाय भविष्य में होने वाली गलतियों पर फोकस करना चाहिए, तभी आप अपने आप को खुश रख सकते हो। आपको अपने गुस्से से और गुस्से में लिए गए फैसलों से बचना होगा, तभी खुश रहा जा सकता है। गुस्सा हमारे दिमाग में निगेटिविटी भर देता है, जिसके कारण खुश रहना तो दूर की बात है, हम पॉजिटिव सोच भी नहीं सकते। गुस्से के बाद कैसा लगता है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे को उनकी गलतियों के वजह से गुस्सा आने पर पीट देती है, और फिर गुस्सा शांत होने के बाद माँ खुद को रिग्रेट करती है, अफसोस करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि